डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग क्लास टेंथ के लिए जो मैथ अभी पढ़ रहे हैं वो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, और त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो टोटल ट्रिगोनोमेट्री के 6 फार्मूले होते हैं, और 6 का फार्मूला भी पढ़ा है। और 6 ट्रिगोनोमेट्री कौन कौन से होते हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, राइट। तो यही 6 फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है और 6 का फार्मूला भी पढ़ा है, और हम आपको बोले भी थे कि 6 फार्मूले को अपना अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो आपने याद किया होगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में, देखो भाई त्रिभुज एबीसी तो यहां तो नहीं दिया है, आप खुद से बना लो। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी जो है समकोण है, तो हम एक त्रिभुज बना लिए और यहां पे 90 डिग्री है, तो इसी को ना बोलते हैं समकोण। अब इसका नाम लिख लीजिए ए बी सी। इसी को बी हम नाम क्यों दिए दोस्त, क्योंकि यहां पे बोला है कि बी जो है समकोण है, तो बी यहां पे समकोण कर दिया। फिर बोला कि ए बी बराबर 24 है, यानी कि इसका जो ए बी की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। फिर बी सी जो है हम लोगों का 7 है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब पहला का दुगो सवाल है, पहला में है साइन ए कोमा कॉस ए, ठीक है। दूसरा सवाल है साइन सी कोमा कॉस सी, ठीक है। चलो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रहेगा, और फिगर में आप ध्यान दीजिए तो दो भुजा अगर पता रहेगा हमें, फिगर में त्रिभुज दिख पा रहा होगा, इस त्रिभुज में ये हो जाएगा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, या फिर हमको भी थीटा नहीं दिया हुआ है, तो अभी हम लोग इसको जोड़ेंगे स्क्वायर करके तो कर्ण का वैल्यू निकलेगा। तो यहां से आप कर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए, एच बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू आ गया रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो 24 चौ 96 और 48 576, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 होगा, और प्लस में 7 का स्क्वायर माने 49, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। यानी कि दोस्तों हम यहां पे ये समझाना चाह रहे हैं कि जब कभी भी त्रिभुज में आपको किसी का भी मान क्यों ना निकालना हो, किसी का भी मान क्यों ना निकालना हो, उस स्थिति में करना क्या है, आपको कोई भी दुगो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यहां पे एच का वैल्यू निकल गया कितना, 25, ठीक है। अब एच का वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो त्रिभुज का अब तीनों भुजा हमें पता चल गया। 25 सब सेंटीमीटर में है, तो ये किलोमीटर में थोड़ा ना होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर डाल दिए, ठीक है। चलिए मेरे पास जगह नहीं है, नीचे वाला मिटा दिए। सबसे पहले दोस्तों पहला सवाल में बोल रहा है कि आप साइन ए निकालो कॉस ए निकालो, तो इसको देखकर आपके माथा में चक्कर देने लगेगा कि सर आप साइन ए और साइन सी सब सी ए बी सी कहां से आ गया, आपने तो सिखाया था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा, थीटा सिखाया था सर। तो हम बोलेंगे हाँ बाबू, थीटा जो होता है ना वो कोण होता है,
तो जैसे वहां थीटा कोण है तो यहां ए क्या है कोण है, सी क्या है कोण है। तो आज एक नया चीज पता चल गया कि थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, साइन ए हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है, साइन एक्स होता हो सकता है, साइन सी हो सकता है, और साइन के जो बगल में होता है वह एक कोण है, वह क्या है कोण है दोस्तों। तो पहला सवाल को हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला में लिखा है कि साइन ए का भी मान निकालिए और कोस ए का भी मान निकालिए। तो साइन ए, ए माने कोण ना, ए माने कौन सी कोण। तो अब की बार में ए के जगह पे आपको कोण ले लेना है थीटा। पहला के लिए ए पर हम मान लिए कोण थीटा। तो अब आप यहां से लिखिएगा साइन ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है साइन ए रहे चाहे साइन थीटा रहे, फॉर्मूला पी बटा एच ही होगा, क्योंकि यहां थीटा रहे ए रहे बी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां साइन ए का फॉर्मूला पी बटा एच, और ए का मतलब एंगल, एंगल माने कोण। तो यहां ए पर हम कोण दिए थीटा, तो इसके सामने वाला ना पी होता है, जहां पे कोण रहता है। हम आपको बताए ना कि जहां पे कोण रहेगा उसके सामने वाला क्या होगा, उसके सामने वाला हम लोगों का परपेंडिकुलर होता है। तो साइन ए, ए माने कौन सी एंगल, इसके सामने पी होगा, पी का वैल्यू कितना 7, तो यहां हो जाएगा 7 बटा एच कितना, तो एच 25। तो पहला में ना दो गो क्वेश्चन था, एक साइन ए निकालना था और कोस ए निकालना है, कॉमा करके लिखा हुआ है ना। तो अब लिखिएगा नीचे कॉस ए, तो कॉस ए रहे चाहे कॉस थीटा रहे फॉर्मूला वही चलेगा, बी बटा में एच, बी बटा में एच। तो कोस ए बराबर बी बटा एच, और अब की एंगल को कहां रखना है ए पर, यानी कि ए पर थीटा लिख दीजिए, और थीटा लिखने के वजह से बी का मान कितना होगा, तो इसके सामने तो पी हो गया, तो हमको पी तो यूज नहीं करना है, ई वाला छोड़ दिए, तो बी का मान हो जाएगा 24, तो इसका हो जाएगा 24, और एच का मान कितना 25। आंसर ये तो पहला का पहला हुआ दोस्तों। लेकिन अगर हम दूसरे सवाल का बात करें, यानी कि पहला का दूसरा क्वेश्चन, तो यहां पे ए नहीं है, यहां पे क्या है, अब यहां पे सवाल चेंज कर दिया, साइन सी का मान निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, साइन सी का मान निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब की एंगल कितना लेना है सी पर, यानी अब ये वाला थीटा यहां नहीं लिखना है, साइन सी बोल रहे ना, तो सी को हम यहां पे कोण मानेंगे और सी पर दे देना है थीटा। यानी कि अलग अलग फिगर बनाइएगा, आप ए वाला के लिए, वन वाला के लिए यहां पे थीटा दे दीजिएगा ए पर, और दूसरा जब सवाल आप बनाइएगा तो दोबारा से फिगर बनाइएगा और सी पर थीटा कोण दीजिएगा। क्यों सी पर थीटा कोण देना है, क्योंकि सवाल साइन सी बोल रहा था, कॉस सी बोल रहा था, तो यहां पे हम सी को थीटा दे दिए। अब साइन यहां पे थीटा अगर देंगे तब पर भी तो साइन सी का फार्मूला कितना होगा, पी बटा में एच ही होगा, लेकिन यहां पे ना थीटा है, तो इसके सामने अब की पी का मान कितना हो जाएगा 24, और एच तो वही रहेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 24/25। कॉस सी का, तो कॉस सी यानी कि थीटा कहां लेना है सी पर, तब इसका फार्मूला क्या होगा बी बटा एच, और बी कितना होगा, जब कोण जो है सी पर लेंगे यानी कि यहां पे थीटा लेंगे तब हम लोगों का कितना होगा बी का वैल्यू, तो ये तो सामने पी ना हो गया, तो ये बी हो जाएगा, यानी कि बी का वैल्यू कितना 7 बटा में कितना कर्ण 25। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसका आंसर करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो हम लोगों का आंसर आ रहा है वो थोड़ा सा बढ़िया से सोच समझकर करना होगा कि कहां पे कौन सा एंगल बोला जा रहा है, ठीक है, कहां पे कौन सा एंगल बोला जा रहा है, क्योंकि वो चीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं यहां सी था तो सब मामला चेंज हो गया, ए था तो कुछ दूसरा आया था,
तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आकृति 8.13। देखिएगा आपके किताब में आकृति बनाया हुआ है। आकृति कैसे किताब में बनाया हुआ है, तो ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे P है, यहां पे Q है, यहां पे R है, यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 13 सेंटीमीटर लिखा है, यहां पे 12 सेंटीमीटर लिखा है, यहां पे अब कुछ नहीं लिखा है। यही बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन आकृति 8.13, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब सवाल में बोल रहा है कि हमको टेन पी निकालना है माइनस कोट आर का मान निकालना है। अब सबसे पहले तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि घटाओ करना है भाई, और जोड़ घटाओ का तो चीज आता होगा आपको, टेन पी माइनस कोट आर। तो टेन पी माइनस कोट आर का मतलब आप समझिए कि टेन पी का मान ज्ञात करना है और कोट आर का मान निकालना है। अब सबका मान निकाल दिए तो बस घटा देना है, समझ रहे ना। तो अब यहां पे टेन पी का मान कैसे निकलेगा भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी को आपको थीटा मानना होगा। यानी कि अच्छा सबसे पहले तो ये आप देखिए कि अगर मान लिया कि इसका वैल्यू निकालना होगा तो यहां पे कर्ण क्या है, 13 है, और इसको लंब चाहे कुछ भी मान लीजिए, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को यहां सबसे पहले इसका मान निकालना है, तो टेन पी का सबसे पहले मान निकाल लेंगे, कोट आर का मान निकाल लेंगे। जब टेन पी और कोट आर निकल जाएगा तो फिर घटा देना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप टेन पी निकालिए, टेन पी, तो टेन पी रहे, टेन आर रहे, टेन एक्स रहे, टेन ए रहे, हमको मतलब नहीं है, लेकिन टेन का फार्मूला तो पता होना चाहिए। तो टेन का फार्मूला होता है दोस्तों पी बटा में बी, ठीक है, पी बटा में बी। अब पी का मान कितना होगा, तो आपको पी पर जो है थीटा मानना पड़ेगा, तो यहां थीटा मानना पड़ेगा। अब इसके सामने ना पी होता है, इसके सामने तो ये हो गया P, और P का मान हमको अभी पता नहीं है, P का मान व्हाट, ये हो जाएगा B का मान और ये हो जाएगा H का मान। तो ये अब सबसे पहले यहां त्रिभुज में तीनों भुजा पता कर लीजिए, है कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज में तो दो गो भुजा दिया है, तीसरा भुजा हमको पता नहीं है, तो यहां पे P का मान नहीं पता है, व्हाट, B का वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर और H का वैल्यू पता है 13 सेंटीमीटर। तो आप P का फार्मूला याद है ना, P का फार्मूला कुछ ही होता है, तो P का फार्मूला याद होना चाहिए। P का फार्मूला होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मैंने 12, तो 12 का स्क्वायर 144, इसको घटाएंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि क्यू आर का मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया यहां से लेकर यहां तक। तो अब तो आप देख पा रहे हो ना कि हमको टेन पी का मान निकालना है, तो पी को हम मान लिए थीटा, ठीक है। जब थीटा मान लिए तो इसके सामने ना पी के मान हो गया, तो पी का मान कितना हो गया 5, 5 बटा बी, तो ई हो गया पी। अभी तो सबसे कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण है, तो बाकी जो बच गया बी का मान कितना 12 सेंटीमीटर, तो 5 बटा 12 हो गया टेन पी का मान। तथा अब जो है आप मान निकालिए कॉट आर बराबर। तो आप सोचो भाई कॉट आर का मतलब कौन सी, अभी आर छोड़ दो, कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो बी बटा में पी, ठीक है।
अब कोट आर है तो आर का मतलब थीटा मान लो, यानी कि अब की जो है आर के जगह पे थीटा मानना है, यानी कि कुछ देर के लिए सोचो कि फिगर में चेंज आ गया, इधर कुछ नहीं है, अब की बार हम आर पर जो ना थीटा मान लिए। क्यों आर पे थीटा माने, क्योंकि एंगल के जगह पे आर है। तो इसके लिए फार्मूला होता है बी बटा में पी। तो जब यहां थीटा अगर रहता तो सामने वाला पी हो जाता, तो पी का मान कितना हो गया 12। इसके वजह से अब ये बी के बजाय पी बन गया, समझ में आ रहा है। क्यों ये पी बन गया, क्योंकि यहां पे थीटा हो गया, आर कोट आर बोला तो आर पे हम थीटा डाल दिए। तो जब आर पे थीटा डाले इसके वजह से पी का मान कितना हो गया 12। तो नीचे मेरा पी है तो नीचे हो गया 12, ठीक है। अब इसके वजह से बी कितना होगा, तो B हो जाएगा हम लोगों को नीचे वाला, क्योंकि ये तो हमेशा के लिए H रहेगा भाई। आप यहां पे थीटा लो चाहे यहां पे थीटा लो, ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा ना, ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, ये तो हमेशा सबसे बड़ी भुजा का सबसे बड़ी भुजा ही रहेगा। लेकिन इसके वजह से सामने हो गया P, तो P का मान नीचे रख दिए, और इसके वजह से हो जाएगा B का मान 5, तो B के जगह पे रख दिया 5। अब जब tan P और cot R का मान निकल गया तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि सवाल बोल रहा था कि घटाओ। फिर लिखना अब tan P माइनस cot R, तो tan P का वैल्यू कितना आया 5/12, और cot R का मान कितना आया दोस्तों 5/12। तो 5/12 में से 5/12 गया तो सीधे सीधे 0 बच गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, है ना। क्योंकि अगर 4 में से 4 घटता है तो 0, सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करना है तो क्या होगा 0 होगा। चलिए तो एक क्वेश्चन नंबर 2 था, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आज हम लोगों को एक चीज और सीखने को मिल रहा है कि फॉर्मूला के साथ साथ ना थोड़ा सा एंगल पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा एंगल के बारे में बोल रहा है। जैसे ही एंगल बदला ना तो पी और बी भी मामला बदल जाएगा, ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा सवाल बहुत इजी है दोस्तों, क्या है वो समझिए। तीसरा में बोल रहा है कि साइन ए बराबर दिया है हमको, साइन दिया है कुछ दिया है भाई, तो साइन ए का मान दिया है 3/4, ठीक है। ये साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें किसका किसका मान निकालना है, कोस ए का मान, देख लो इतना बराबर इतना दिया है, कोस ए का मान निकालना है, ठीक है, और टेन ए का मान निकालना है, कोस ए बराबर भी निकालना है, टेन ए बराबर भी निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें निकालना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ऐसा सवाल तो हम आपको बताए हैं फिर भी आपको हिंट्स कर देते हैं, साइन ए रहे चाहे थीटा रहे हम लोगों को मतलब नहीं है। साइन का फॉर्मूला क्या लिखिए आप, पी बटा में एच बराबर 3/4। दोस्तों यहां पे आपको पता चल रहा है कि पी का मान कितना 3, एच का मान कितना 4, तो एक वाव कौन सी घट रहा है, बी घट रहा है, तो आप बी का मान यहां से निकाल लीजिएगा, और कॉस ए का फॉर्मूला बी बटा में एच, और टेन ए का फॉर्मूला याद होगा पी बटा में बी। तो जब हमको तीनों चीज पता चल जाएगा, देखो पी का वैल्यू तो 3 है, एच का वैल्यू तो 4 है, नीचे नीचे वाला का बराबर, ऊपर ऊपर वाला का बराबर, जब दो को मान हमको पता है तो तीसरा वाला बी कैसे निकलेगा, तो बी निकलेगा फार्मूला से, और हम बी का फार्मूला बता चुके हैं, बी निकाल लीजिएगा। जब बी निकल जाएगा तो हमको तीनों चीज नहीं पता हो जाएगा, और जब तीनों चीज पता हो जाएगा तो कॉस ए रहे चाहे थीटा रहे चाहे कुछ रहे, हमारा से तो ओकरा से माने मतलब नहीं है। अगर मान लिया कि कोई फिगर रहता और तब एबीसी रहता तब ना उसको हम लोग थीटा मानते हैं, लेकिन यहां पे तो कोई फिगर उगर नहीं है, तो आराम से फार्मूला कॉस ए बराबर बी बटा एच और टेन ए बराबर पी बटा बी, और सबके मान रखेंगे, इसका बी का मान रख देंगे, एच का मान रख देंगे, तो कॉस ए का आंसर हो जाएगा।
टेन ए का पी बटा बी, तो पी का मान रख देंगे, बी का मान रख देंगे, जो आएगा वो हमारा टेन ए का आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के दोनों को आंसर हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन को सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पे। हालांकि इस पे दोस्तों हम आपको पूरा बनाए नहीं है, आप इसको पूरा का पूरा बनाकर जरूर आंसर लाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि 15 कोट ए बराबर 8 है। देख लो भाई क्या दिया है, दिया है 15 कोट ए बराबर 8। तो कोची कोची का मान निकालने के लिए बोल रहा है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। ये साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। देख लो भाई कभी कभी मैथमेटिक्स में होता क्या है ना कि आपको कुछ चीज सीधा सीधा नहीं दिया रहेगा, आपको जो है ना कभी कभी आपको सीधा रूप में बनाना पड़ेगा। यही तो कमाल है मैथमेटिक्स का, मैथ में यही कमाल है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा, आपको जानना चाहिए कि यहां 15 गुना में रहता है तो इधर से भाग कर देते हैं, पता है ना आपको। तो यहां पे वैसा ही काम करिए, इसको लिख दीजिए 8/15। अब यहां पे ये दिया था ना तो माथा में चक्कर बन गया था हम लोगों को कि भाई ये अब कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये 15 गुना में है, इसको नीचे कर दो भागा में, क्लियर। और कोट का फार्मूला नीचे अपना दो, कोट का फार्मूला तो याद नहीं होगा, हम बार बार बोल रहे भाई यही छेद ट्रिगोनोमेट्री होता है, आप रट जाओ रट जाओ। कोट का फार्मूला हम बताए थे b/p बराबर 8/15। तो यहां आप कौनची कौनची का मान निकालिएगा, b का मान देवल है 8, p का मान दिया हुआ है 15, नीचे वाला का नीचे वाला बराबर। तो आप जो है यहां से एच नहीं निकाल लीजिएगा, अरे एच निकाल लेना है। तो जब तीनों का तीनों पता चल जाएगा तो साइन ए और सेक ए का फॉर्मूला लगा के रख देना है, कुछ करना ही नहीं है, मैंने समझ रहे ना बात। एक में दू गो चीज देवल है तो एच निकाल लेना है, एच निकल जाएगा तो कुल मिलाकर तीनों हमको पता हो जाएगा, पी का भी मान पता हो जाएगा, बी का भी मान पता हो जाएगा, एच का भी मान पता हो जाएगा। जब तीनों पता चल जाएगा तो यहां साइन ए का फार्मूला नहीं याद है पी बटा में एच, तो पी के मान रख देना है ऊपरे और एच के मान नीचे रख देना है। एकरो से हल्का थोड़ा ना कोई मिलेगा चीज, लेकिन अब करने वाले के लिए तो हल्का होगा और जो नहीं करेगा उसके लिए फिर भारी बन जाएगा। तो आप देखो बहुत ईजी है। अब यहां सेक ए का मान निकालना, तो भाई फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, सेक ए का फार्मूला क्या होता है, सेक ए, तो सेक हम याद करवाए थे कि कॉस का उल्टा होता है, और कॉस क्या होता है तो बी बटा में एच, तो इसका हो जाएगा एच बटा बी, और एच का जगह पे जितना आएगा और बी के जगह पे नीचे 8 रख दीजिएगा तो हम लोगों को आंसर आ जाएगा। तो हम ये क्वेश्चन जो समझा दिए हैं आपको कि कैसे बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या वहां क्वेश्चन है भाई मेरे, ये पांचवा क्वेश्चन है। अरे बहुत आसान है यार, ये त्रिगो नाम का है। देखो तुम्हारे सामने बहुत पहली बार नया चैप्टर मिल रहा है ना, एकदम एनर्जी से पढ़ो, अच्छे तरीकों से पढ़ो कि कहीं से भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स में खास करके है कि आपको थोड़ा ना कुछ उस तरीके से एक एक पॉइंट्स को आप खाली ऊपर ऊपर का थोड़ा बहुत फार्मूला याद कर लो, और वही नहीं आपको फार्मूला यूज करते करते याद हो जाता है, ऐसा थोड़ा ना है मैथमेटिक्स में फार्मूला इतना बार यूज करना पड़ रहा है। देखो साइन ए, शुरू में लगा था कि कौन सा पहाड़ आ गया, साइन ए बोले भी नहीं आ रहा था, सच सही बात है ये। जब हम भी अपने लाइफ में ना 10th क्लास में पहुंचने के बाद ये ट्रिगो पढ़ रहे थे ना तो पता ही नहीं चल रहा था कि साइन कोस, मतलब जीभ नहीं उल्टा रहा था कि साइन कोस टेन, अरे भाई क्या होता है ये पता नहीं। लेकिन अब हम लोगों को प्रैक्टिस हो गया, और जो चीज प्रैक्टिस हो जाता है वो फिर याद करने का जरूरत नहीं होता है,
वही बात है, अभी आपको हार्ड लगेगा लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। हम हमेशा कई बार बोल चुके हैं अपने वीडियोज में, अपने क्लास में, प्रैक्टिस मैन, अगर कोई प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस ही मैन को, आदमी को परफेक्ट बनाता है, अच्छा बनाता है, तगड़ा बनाता है। चलो फिलहाल देख लो पांचवा नंबर बहुत इजी है। इसमें क्या बोल रहे भाई, सेक थीटा बराबर 13/12 है। देख लो सेक थीटा बराबर 13/12 है। अभी वो लड़का बोला अच्छा अब जाके हमारा थीटा मिला, जान में जान आया। अरे जान में जान का है भाई, थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सेक एक्स भी हो सकता है, सेक ए भी हो सकता है, सेक सी भी हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है, फॉर्मूला तो वही चलेगा। तो थीटा यहां पे दे दिया है और फिर क्या बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अरे भाई तो अन्य सभी का मतलब करोड़ दो करोड़ होता है, छवे गो ना होता है, अब छो गो में एगो तू चीज वह देवे कर दिया है, सेक थीटा का मान दे दिया है, तो पांचे गो चीज ना हमको निकालना है, यानी कि टोटल छो गो में होता है, छो गो त्रिभु होता है और छो गो में यरवा एगो दे दिया हमको मान, तो पांचे गो कितना जरूरी है और पांच गो निकलेगा कैसे, पांच गो निकलेगा कैसे, तो जब तीन गो चीज पता रहेगा तब ना पी निकले, पी पता रहेगा, बी पता रहेगा, एच पता रहेगा, समझ रहे। तो ये भी बहुत आसान है, आप करिएगा क्या, सेक थीटा का फॉर्मूला नीचे रखिए। सेक थीटा का फॉर्मूला कोची होता है, याद तो रखे पड़ेगा, सेक थीटा का होता है एच बटा में बी बराबर 13/12। तो नीचे लिखना एच बराबर फलना, बी बराबर चिलना और बाकी पी बराबर डोलना, निकाल लेना ये वाला, पी निकाल लेना, तो तीनों चीज हमको पता हो जाएगा। तो अन्य सभी का मतलब, अरे सेक थीटा को छोड़ के तुम साइन थीटा निकालना। देखो साइन ए नहीं लिखना क्योंकि यहां पे थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा लिखना। अगर सेक ए देवल रहता तो तुम साइन ए लिख के तब आंसर करता, लेकिन यहां पे सेक थीटा है तो तुम अन्य सभी में साइन थीटा का मान निकालेगा, कोस थीटा का मान निकालेगा, टैन थीटा का मान निकालेगा, कोसेक का मान निकालेगा और कोट का मान निकालेगा, यानी कि अन्य सभी में पांच गो निकाल लेना और तीनों फार्मूला पर आधारित होता है। तो इस सवाल को भी हम छोड़ देते हैं, आप बनाइएगा, सबके आंसर मिलाइएगा, सबका आंसर बनाकर भेजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन था भाई, पांचवा था। छठा में देख लो क्या बोल रहे, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी का मान बराबर है। देख लो किसी भी त्रिभुज में यहां पे बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है, तो हमको बताना है कि कोस ए का मान और कोस बी का मान बराबर है, ठीक है। देखो न्यून कोण किसको कहते हैं, तो ये पहले ही पढ़ा होगा 8-9 में कि न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है। जैसे 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है ना, उसको न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री पूरे पूरे हो उसको हम लोग समकोण कहते हैं, और 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में हो उसको अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। और जो 180 डिग्री हो उसको सरल रेखीय कोण कहते हैं। तो ये सब हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। तो यहां पे सवाल बोला कि ए और बी जो है न्यून कोण है, तो आपको छठा सवाल में फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको जो है फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखिएगा तो एक फिगर ऐसे होगा, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है और यहां पे ए भी एक न्यून कोण है और बी भी जो है न्यून कोण है, ठीक है, ए भी कोण न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि हमें दिया हुआ है कि कोस ए का मान और कोस बी का मान बराबर है, क्या बोल रहा है यहां पे सवाल में दिया है, क्या क्या दिया है, तो कोस ए का मान बराबर कोस बी का मान बराबर है, ठीक है, समझ रहे ना।
तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, देखो जब कोस ए और कोस बी बराबर है दोस्तों, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए मेरा अगर थीटा होता, एक बार ए पर थीटा लेना है एक बार बी पर थीटा लेना है, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी, ब्रैकेट में लिख देंगे कि हमको दिया है, इस सवाल में दिया है, इसी से चल के हमको खुद प्रूफ करना है कि ए का मान बी के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देख लो अब कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच, इसका भी होता है बी बटा एच, लेकिन दोस्तों अब की बार ए के थीटा पर, ए पर थीटा लेना है तब बी बाई एच लिखना है, और अब की बार बी पर थीटा लेना है तब बी बाई एच लिखना है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों का ए पर अगर थीटा लेंगे तो ये तो पी ना हो जाएगा, ये तो पी हो जाएगा और हमको पी यूज नहीं करना है, बी के जगह पे हो जाएगा, इसको नाम दे दीजिए सी, तो ए सी बटा एच, एच का मतलब कर्ण, कर्ण कौन सा होगा ए बी बराबर। अब की बार कॉस बी बराबर तो फार्मूला होता है, हो जाता है बी बाई एच, लेकिन अब की एंगल कहां रखेंगे बी पर, तो बी पर अगर एंगल रखेंगे तो सामने वाला तो पी ना हो जाएगा, ए बी तो पी हो जाएगा, सॉरी ए सी तो हमको पी हो जाएगा, हमको बी ना लेना है, तो बी का नाम हो जाएगा बी सी, और बट्टा एच का मान तो करने होगा ना ए बी, हम लोग जानते हैं ना कि अगर बट्टा में रहता है और दोनों चीज नीचे बट्टा बट्टा में सेम रहता है तो नीचे नीचे वाला कट जाता है। ठीक है, नीचे नीचे वाला कट गया, तो यहां पे अब क्या मिल रहा है ए सी बराबर बी सी। ठीक है, यानी कि ए सी जो है बी सी के बराबर है, ई वाला और ई वाला जो है बराबर है। तो हम लोग जानते ना हैं कि अगर भुजा बराबर है उसके सामने का कोण भी बराबर है, तो एसी के सामने कौन सा कोण है, तो एंगल बी, तो यहां पे एसी के सामने हो गया एंगल बी, और बीसी तो बीसी के सामने कौन सा कोण ए, या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी, यहां लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से आज हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 तक के डिस्कस किया, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे, या नहीं तो फिर अगर आपको क्वेश्चन बन रहा होगा तो आप आगे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 6 तक के क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन छोड़ोगे दोस्तों आपको उसको ट्राई करना है। तो इसी बातों के साथ आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।